नाम पर बिना लोन वाली प्रॉपर्टी खरीदने वालों को एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे सौदे करने वाले लोगों को बड़ी संख्या में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज रहा है। क्या है पूरा मामला बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, ये बताइए कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी पर इनकम टैक्स विभाग ने क्या नया नियम बनाया है? जी बिल्कुल, ये परेशानी उन लोगों को ज़्यादा है जो लोग कैश में जो है ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदते हैं, रियल एस्टेट खरीदते हैं। वहाँ पर अक्सर ऐसे लोगों को जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ऑटोमेटिकली मेल जाता है या उनसे सवाल पूछा जाता है कि उन्होंने किस आधार पर उन्होंने जो ये सौदा किया है उसके पीछे क्या उन्होंने सारी अपनी इनकम बताई है या नहीं बताई है। होता यह है कि पति पत्नी या पिता पुत्र या माँ बेटी या इस तरह के जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं वहाँ पर कोई एक ही व्यक्ति जो है पूरा का पूरा जो सौदे का रखी रकम है सौदे की वो अदा करता है। और अक्सर ये होता है कि पति या पत्नी में से अगर है तो आमतौर पर पति की आय ज़्यादा होती है और वही अपनी आय में से ये सौदे का पेमेंट कर रहा होता है, या पत्नी की आय ज़्यादा होती है और वो पेमेंट कर रही होती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अक्सर ये होता है, लेकिन चूंकि दोनों के ही पैन रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जहां पर होता है, और जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो हर जितने भी सौदे हुए हैं सभी के पैन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ साझा करता है, और उस स्थिति में इनकम टैक्स का जो सिस्टम है वो पैन के आधार पर सौदों की मैचिंग करता है। अगर किसी के पैन में आय कम है लेकिन सौदा बड़ा हो रहा है तो उसी आधार पर वो ऑटोमेटिकली उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है कि आप इसको एक्सप्लेन कीजिए कि आपके पास ये धन कहाँ से आया और आपने कैसे इतना बड़ा सौदा किया। ये क्लैरिटी बिल्कुल रजिस्ट्रार ऑफिस से नहीं होती है कि सौदे में सबसे बड़ी रकम किसने अदा की है, इस वजह से जो है ऑटोमेटिकली सिस्टम से लोगों को नोटिस जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन ब्रजेश जी, इस बारे में लोगों की समस्याओं को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने हमने सवाल किया था तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है? बिल्कुल, जी बिजनेस ने इस मामले को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने उठाया और उनसे इस पर जवाब मांगना चाहा कि आखिर ये समस्या क्यों हो रही है, क्योंकि मुंबई में बड़ी संख्या में लोगों को इस तरह के जो है एक्सप्लेनेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, मांगे जा रहे हैं लोगों से। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये कहना है कि ये उनका सिस्टम है जिससे वो पैन के आधार पर आमदनी को मैच करते हैं, और अगर कहीं मिसमैच आता है तो लोगों से इसका जवाब मांगा जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये कहना है कि जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है उसके साथ एक लिंक है, उस लिंक पर जाकर अगर किसी से जवाब मांगा गया है तो वो अपनी सफाई वहाँ पर रख सकता है। ये बहुत ही सरल और क्या कहेंगे बिना किसी लंबी चौड़ी कार्रवाई का एक हिस्सा है, और आसानी से लोगों को अपनी जवाब रखने का वहाँ पर मौका मिल जाता है। अगर किसी सौदे में ऐसा है कि किसी और के पैन से जुड़ा मामला है, ज्वाइंट होल्डिंग में प्रॉपर्टी है लेकिन सौदा किसी और से जुड़ा हुआ है जिसने किसी और ने पूरी रकम अदा की है, तो वहाँ पर लोग ये जानकारी जाकर दे सकते हैं कि किस व्यक्ति ने इस सौदे में बड़ी रकम अदा की है, बड़ा हिस्सा अदा किया है या पूरा का पूरा पैसा अदा किया है। तो ये एक सरल प्रक्रिया है, लेकिन अक्सर व्यवहारिक दिक्कत यही होती है कि जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से किसी को कोई सवाल पूछा जाता है तो लोग अक्सर थोड़े आशंकित होते हैं और उनको किसी टैक्स एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी इस अहम खबर पर जुड़ने के लिए।